सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि सैमसंग के काफी स्मार्टफोन मिड रेंज जो कि हमें काफी जल्द हमें देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो बात हो ए सीरीज की एम सीरीज की। तो ये जो स्मार्टफोन है एम सीरीज का एक नया स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। तो मैंने इसके ऊपर पहले से भी वीडियो डाली थी, बट इसकी अब जो लीक्स है वो टोटली कन्फर्म हो चुकी है, क्योंकि ये जो डिवाइस आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है सैमसंग की तरफ से। तो अगर आपने प्लान किया है बजट कैटेगरी में 5G स्मार्टफोन वो भी सैमसंग का बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग है प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले अगर देखें इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले का साइज और इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसका जो डिजाइन है वो आपको बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिल सकता है A32 जैसा, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो आपको A32 का एक सक्सेसर मॉडल देखने को मिलेगा, इसी कारण इसका जो डिजाइन है वो आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिल सकता है। बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आपको इसका कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट साइड में पंच होल कैमरा देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलेगा और इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले वाइज एक काफी एक अच्छा स्मार्टफोन हो जाता है, बट इसका जो डिजाइन है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा A32 से ही, बट इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा, बाकी डिस्प्ले तो इसकी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है एक्सिनोस की तरफ से आने वाला एक्सिनोस 1200 जो कि हमें काफी एक मिड रेंज स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से। और एक ये जो प्रोसेसर वो काफी एक डिसेंट गेमिंग के लिए काफी एक अच्छा प्रोसेसर है, तो इसमें आप नॉर्मल से नॉर्मल गेम काफी अच्छे से प्ले कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर रैम यूनिट की, तो यहाँ पर आपको 6GB रैम यूनिट देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज एक काफी एक अच्छा स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है, एक तो काफी एक लो बजट कैटेगरी में आपको एक काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल सकता है इस पर। और वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन का कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेन कैमरा वो है 64 मेगापिक्सल का और इसी मेन कैमरे में आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन में काफी हेल्पफुल करेगा। बात करें यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर आपको 4K at 30 FPS देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा, तो वो हमें देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का और इसकी आपको वीडियो रेजोल्यूशन फुल HD at 30 FPS देखने को मिलेगी। तो कैमरा वाइज एक काफी एक बेहतरीन स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार आपको जो है OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन में और इमेज प्रोसेसिंग में काफी हेल्पफुल कर सकता है। और वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन का बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की लार्ज बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 25W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। सो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी M33 5G की देखने को मिल जाते। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस और इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो लॉन्च डेट की अगर हम बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन आपको मार्च के मंथ में देखने को मिल सकता है या फिर आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या ये डिवाइस आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है? तो प्राइस की अगर हम बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन आपको 18,000 या फिर 19,000 का हमें देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये जो स्मार्टफोन आपको 20,000 के अंडर ही देखने को मिलेगा, तो इसी कारण इसमें जो है लो बजट एक स्मार्टफोन हो जाता है। बट ये जो स्मार्टफोन आपको एक 5G देखने को मिलता है और इसकी जो कैमरा आपको काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने प्लान किया है बजट कैटेगरी में स्मार्टफोन बाय करने का, जिसका कैमरा अच्छा और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, तो आप इस स्मार्टफोन के लिए जरूर से वेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर और पर सेलेक्ट जरूर करना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। I think we're made of something.